सात सात दिन हो गया, फिर रात आई और काली। लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। एक ऐसा हादसा जिसका सिलसिला मौत से भी खत्म नहीं होता। मौत के बाद जो शुरू होता है उस गम का नाम 2611 है। जिंदगी जहां से एक नए रास्ते पर चलती है उस मोड़ का नाम 2611 है। आदमी को आदमी होने पर अगर शर्म आती है उस मंजिल का नाम 2611 है, क्योंकि हिंदुस्तान में इससे पहले इस तरह का हमला कभी नहीं देखा गया था। 26 नवंबर 2008 को 10 आतंकियों के आतंक ने न सिर्फ मुंबई कांपी बल्कि देश भी थर्रा उठा। आज हम आपको ताज होटल से लेकर होटल ट्राजेंट और होटल ओबराय तक का वो सच जिसे जानकर आपके होश फाकता हो जाएंगे वो दिखाएंगे। कैसे आतंकी पाकिस्तान से मुंबई पहुंचे, कैसे 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले में 166 लोग मारे गए, मुंबई पर हमले की साजिश कहां रची गई, कैसे हमले का एक एक प्लान तैयार किया गया, खौफ का ऐसा सच जो मुंबई के जहन में ताउम्र रहेगा। साल क्या दशक भी गुजर जाए तो 2611 के आतंक की तस्वीर मुंबई को डराती रहेगी। 10 आतंकियों ने मुंबई को खून से रंग डाला था, पूरा देश थर्रा उठा। पूरे 60 घंटे तक मुंबई में सिर्फ गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। होटल ताज से लेकर होटल ट्राइडेंट तक, नरीमन हाउस से लेकर मुंबई की सड़कों तक, फिर आतंकियों को निस्तनाबूद करने के लिए देश के वीरों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। मुंबई पुलिस से लेकर रैपिड एक्शन फोर्स और एनएसजी कमांडोज ने आतंक के खिलाफ अपने अपने हथियारों के मुंह खोल दिए। 9 आतंकी मार दिए गए और सबसे खूंखार आतंकी अजमल आमिर कसाब को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी पर लटका दिया गया। आज हम मुंबई के आतंक का वो सच बताने जा रहे हैं जो शायद आपने ना सुना हो। हमारे देश में अलग अलग दौर में राजनेताओं ने अपने फायदे के लिए आतंकवाद को धर्म से जोड़ा है और वोटों की फसल काटी है। इसी का नतीजा है कि हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों की रचना हुई और तमाम बुद्धिजीवी इन शब्दों का इस्तेमाल अपनी अपनी श्रद्धा और राजनीतिक एजेंडे के तहत करते रहे। दरअसल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने 2611 हमले को हिंदू आतंकवाद का रूप देने की साजिश रची थी। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने आईएसआई का साथ दिया था। इसके लिए आईएसआई ने अजमल कसाब समेत सभी 10 हमलावरों को नकली आई कार्ड के साथ उन्हें हिंदू बनाकर मुंबई भेजा था। मुंबई को कसाब के पास से बेंगलुरु के रहने वाले किसी समीर चौधरी का फर्जी आई कार्ड भी मिला था। हिंदू दिखने के लिए कसाब ने अपने दाएं हाथ की कलाई में कलावा भी बांध रखा था। पूर्व आईपीएस ऑफिसर ने बताया कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद हम कसाब को मुर्दाघर लेकर गए थे, जो हमले में मारे गए करीब 160 लोगों की लाशें रखी थी। मुंबई के 2611 आतंकी हमले के मुकदमे की अदालत में पैरवी करने वाले विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम का कहना है कि मुंबई हमले के 10 में से 9 आतंकी जो मारे गए थे उनके पास से जो आई कार्ड मिले थे उन पर हिंदू नाम लिखे थे। निकम ने कहा कि यह बात सच है कि अजमल कसाब के पास जो पहचान पत्र मिला था उस पर नाम समीर चौधरी हैदराबाद लिखा था, वो फर्जी थे। इसकी जांच की गई थी और अदालत में कॉलेज के प्रिंसिपल की गवाही भी हुई थी। वहीं लश्कर ए तैयबा आतंकी कसाब को एक हिंदू आतंकी के रूप में पेश करना चाहता था, ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आई। उसे गिरफ्तार करने के बाद जबरन भारत माता की जय के नारे भी लगवाए गए थे। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले के 13 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान इस हमले को लेकर तमाम किताबें लिखी गई, कई डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई है, जांच रिपोर्ट्स तैयार किए गए, लेकिन वो हमला इतना बड़ा था कि उससे जुड़ी तमाम बातों का अब तक भी पूरी तरह से खुलासा नहीं हो पाया। यही वजह है कि हमले के 13 साल बाद भी उससे लेकर नई बातें सामने आती रहती हैं। इस घटना पर 2 अंग्रेजी पत्रकारों की किताब है द सीज। इस किताब को पढ़ने के बाद बहुत सारे सच सामने आते हैं जिनका या तो अब तक खुलासा नहीं हुआ है या जिन पर ज्यादा गौर नहीं किया गया। पत्रकारों ने आतंकियों से लोहा लेने वाले पुलिसकर्मियों और एनएसजी कमांडो से भी बातचीत की। दोनों पाकिस्तान में उन सभी आतंकियों के घर भी पहुंचे जो मुंबई हमले में शामिल थे। किताब में अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने
मिली जानकारी भी शामिल की गई है। इस पूरी कसरत का निचोड़ ये निकला कि कई ऐसे तथ्य सामने आए जो अब तक किसी को पता नहीं थे या जिन पर अब तक गौर नहीं किया गया था। इस किताब में ताज में फंसे लोग हमले से पहले दिन भर क्या कर रहे थे, इसका भी ब्यौरा दिया गया है। पहला, आतंकी हमले के महज घंटे बाद पुलिस के हाथ एक ऐसा सुनहरा मौका आया जो उसी रात ताज होटल के ऑपरेशन को खत्म कर सकता था। रात करीब 10:50 पर होटल के अंदर घुसे चारों आतंकवादी एक साथ एक ही वक्त में होटल की पांचवी मंजिल पर रूम नंबर 551 में दाखिल हुए। ये आतंकवादियों की ओर से की गई एक बड़ी गलती थी जिसका पुलिस इस्तेमाल कर सकती थी। दूसरा, हमले से महीनों पहले पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि आतंकी मुंबई के 5 सितारा होटलों को निशाना बना सकते हैं। इसके मद्देनजर इलाके के DCP विश्वास नागरे पाटिल ने ताज होटल की सुरक्षा का जायजा लिया था और वहां पुलिस की सुरक्षा भी मुहैया कराई थी, लेकिन ताज होटल के प्रबंधन को होटल की 5 सितारा चकाचौंध के बीच वर्दी और बंदूकधारी पुलिसकर्मी खटक रहे थे। तीसरा, मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर हसन गफूर ने ताज में मौजूदा पुलिसकर्मियों के एक तरह से हाथ बांध दिए थे। उनका आदेश था कि एनएसजी के पहुंचने तक कुछ नहीं करना है। यहां तक कि जब शुरुआत में पास के नेवी नगर से मरीन कमांडोज की एक टुकड़ी पहुंची तो गफूर ने उसे दिशा निर्देश देने के लिए भी DCP नागरे पटेल का साथ जाने से रोक दिया। एनएसजी का मानना है कि जब वो 27 नवंबर की सुबह मुंबई पहुंचे तो पुलिस और खुफिया एजेंसियों की ओर से उनसे सही सही नहीं बताया गया कि शहर में और खासकर ताज में कुल कितने आतंकी हैं। पांचवा, वैसे तो हवाई जहाज से दिल्ली और मुंबई की दूरी महज 2 घंटे की है, लेकिन एनएसजी को मुंबई पहुंचते पहुंचते पूरी रात बीत गई। जैसे तैसे विमान का इंतजाम करके एनएसजी कमांडोज को मुंबई तो ले आया गया, लेकिन मुंबई हवाई अड्डे से तुरंत उन्हें दक्षिण मुंबई, जहां 3 अलग अलग ठिकानों पर आतंकी कहर बरपा रहे थे, उन्हें लाने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। 27 नवंबर की सुबह 5:30 बजे एनएसजी जवानों का विमान पहुंचा, लेकिन उन्हें तब झटका लगा जब वादे के मुताबिक उन्हें हवाई अड्डे से आतंकी हमले के ठिकानों तक पहुंचने के लिए कोई वाहन नहीं आया था। भले ही 26/11 का हमला आतंकवादियों की टीम वर्क का नतीजा हो, लेकिन हमले के दौरान ATS ने आतंकियों की पाकिस्तान में पैठ, उनकी अकाउंट से जो बातचीत रिकॉर्ड की, उससे एक दिलचस्प हकीकत सामने आती है। ताज में मौजूदा चारों आतंकवादी न केवल आपस में झगड़ रहे थे बल्कि पाकिस्तान से आ रहे निर्देशों पर अमल भी नहीं कर रहे थे। ताज में मौजूदा उमर नाम का आतंकी गुस्से में बंधक बनाए गए लोगों की पिटाई भी कर रहा था। होटल के भीतर जो 4 आतंकी दाखिल हुए थे, उनमें से एक आतंकी खुद अपनी ही गोली से घायल हो गया था। यह आतंकी था अबू अली। अबू अली ने जब ताज होटल में घुसकर अपनी AK-47 राइफल से फायरिंग शुरू की थी तो एक गोली फर्श से टकराकर बाउंस हुई और अबू अली के पैर में जाकर लगी। पाकिस्तान अब तक इस बात से इनकार करते आया है कि मुंबई पर हमला करने वाले आतंकियों को सरकारी मदद मिली, लेकिन यह किताब पाकिस्तान की केंद्रीय जांच एजेंसी FIA के सूत्रों के हवाले से बताती है कि हमले को पाक एजेंसियों का आधिकारिक सहयोग मिला था। दाऊद गिलानी उर्फ डेविड कॉलमैन हेडली आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के लिए काम करता था, लेकिन उसके रिश्ते पाकिस्तान सरकार और वहां के आला राजनेताओं से भी थे। तो चलिए, ये तो बात हो गई उन पहलुओं की जिन पर अब तक बात नहीं हो पाई थी, जो सच शायद कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को नहीं पता हो, लेकिन उस दिन क्या क्या हुआ वो सारी जो वारदात है उस पर भी नजर डालना जरूरी है। 26/11 ये वो दिन है जिसे शायद ही कोई भूल पाए। ये भारत के इतिहास में लिखा गया वो काला दिन है जिसे कोई याद तो नहीं रखना चाहता, लेकिन भूल भी नहीं सकता। इस दिन का दर्द रह रहकर टीस देता है। पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने साल 2008 में मुंबई को गोलीबारी और बम धमाकों से दहला दिया था। 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले में करीब 160 लोगों की जान गई, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 3 दिनों तक चले हमले के दौरान सुरक्षा बलों के 9 आतंकी जो हैं वो मार गिराए थे सुरक्षा बलों ने, और एक आतंकी अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ा गया, जिसे नवंबर 2012 में पुणे में फांसी दे दी गई थी। तो देखिए उस दिन आखिर क्या हुआ, और 3 दिन तो ऑपरेशन चला जो कहर बरपाया आतंकियों ने, उसमें क्या कुछ हुआ। छब्बीस नवंबर 2008 को लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था। इस आतंकी हमले को आज 13 साल हो गए हैं, लेकिन ये भारत के इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई भूल नहीं सकता। हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे,
और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मुंबई हमले को याद करके आज भी लोगों का दिल दहल उठता है। अल्लाह का शुक्र है हम लोग ठीक है, बिना बिना गोलियां गोलियां जा रहा है, लेकिन हम देख रहा है अभी थोड़ा बड़ा खतरा। जानिए क्या हुआ था उस दिन कराची से नाव के रास्ते मुंबई में घुसे आतंकी। मुंबई हमलों की छानबीन से जो कुछ सामने आया वो बताता है कि 10 हमलावर कराची से नाव के रास्ते मुंबई में घुसे थे। इस नाव पर 4 भारतीय सवार थे जिन्हें किनारे तक पहुंचते पहुंचते खत्म कर दिया गया। रात के तकरीबन 8 बजे थे जब ये हमलावर कोलाबा के पास कफ परेड के मछली बाजार पर उतरे। वहां से वो 4 ग्रुपों में बंट गए और टैक्सी लेकर अपनी मंजिलों का रुख किया। मछुआरों को शक था, कहते हैं कि लोगों की आपाधापी को देखकर कुछ मछुआरे को शक भी हुआ और उन्होंने पुलिस को जानकारी भी दी, लेकिन इलाके की पुलिस ने इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी और ना ही आगे बड़े अधिकारियों या खुफिया बलों को जानकारी दी। 2 हमलावरों ने उतार दिया था 52 लोगों को मौत के घाट। रात के तकरीबन 9:30 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर गोलीबारी की खबरें मिली। मुंबई के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के मेन हॉल में 2 हमलावर घुसे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इनमें एक मोहम्मद अजमल कसाब था जिसे फांसी दी जा चुकी है। दोनों के हाथ में AK-47 राइफल्स थी और 15 मिनट में ही उन्होंने 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और करीब 109 को जख्मी कर दिया था। मुंबई में कई जगह हुई थी गोलीबारी, लेकिन आतंक का ये खेल या ये कहें कि ये खूनी खेल सिर्फ शिवाजी टर्मिनल तक सीमित ना था। दक्षिणी मुंबई का लियोपोल्ड कैफे भी उन चंद जगहों में से एक था जो 3 दिन तक चले इस हमले के शुरुआती निशाने थे। ये मुंबई के नामचीन रेस्तराओं में से एक है। इसके लिए वहां गोलीबारी में मारे गए 10 लोगों में कई विदेशी भी शामिल बताए जा रहे थे, जबकि बहुत से घायल भी हुए। 1871 में मेहमानों की खातिरदारी कर रहे लियोपोल्ड कैफे की दीवारों में धसी गोलियां हमले के निशान छोड़ गई हैं। 10:40 पर विले पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ाने की खबर मिली जिसमें ड्राइवर और एक यात्री मारा गया। तो इससे 15-20 मिनट पहले बोरी बंदर में इसी तरह के धमाके में एक ड्राइवर और 2 यात्रियों की जान जा चुकी थी। तकरीबन 15 लोग घायल भी हुए। 26/11 के 3 बड़े मोर्चे क्या थे, लेकिन आतंक की कहानी यही खत्म हो जाती तो शायद दुनिया मुंबई हमलों से उतना न दहलती। 26/11 के 3 बड़े मोर्चे थे मुंबई का ताज होटल, ओबराय, टाइडेंट होटल और नरीमन हाउस। जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबराय में 380 मेहमान मौजूद थे। खासतौर से ताज होटल की इमारत से निकलता धुआं तो बाद में हमलों की पहचान ही बन गया था। लाइव मीडिया कवरेज से आतंकियों को काफी मदद मिली ऐसा माना जाता है। हमलों की अगली सुबह यानी कि 27 नवंबर को खबरें आई कि ताज से सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा तो पता चला हमलावरों ने कुछ और लोगों को अभी बंधक बना रखा है जिनमें कई विदेशी भी शामिल हैं। हमलों के दौरान दोनों ही होटल रैपिड एक्शन फोर्स, मैरिन कमांडोज और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो से घिरे रहे। एक तो एनएसजी कमांडो के देर से पहुंचने के लिए सुरक्षा तंत्र की खिंचाई हुई तो हमलों की लाइव मीडिया कवरेज ने भी आतंकियों को खासी मदद दी। कहां क्या हो रहा है सब उन्हें अंदर टीवी पर दिख रहा था। लगातार 3 दिन तक आतंकियों से जूझते रहे सुरक्षा बल। 3 दिन तक चले इस खूनी खेल में सुरक्षा बल आतंकियों से जूझते रहे। इस दौरान धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली, बंधकों को लेकर उम्मीद टूटती जुड़ती रही और न सिर्फ भारत से 125 अरब लोगों की बल्कि दुनिया भर की नजरें ताज, ओबेरॉय और नरीमन हाउस पर टिकी रही। हमले के वक्त होटल में कई लोग मौजूद थे।
हमले के वक्त ताज में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर यूरोपीय संघ की संसदीय समिति के कई सदस्य भी शामिल थे। हालांकि इनमें से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। हमलों की जब शुरुआत हुई तो यूरोपीय संसद के ब्रिटिश सदस्य सज्जाद करीम ताज की लॉबी में थे, तो जर्मन सांसद एरिका मान को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुपना पड़ रहा था। ओबरॉय में मौजूदा लोगों में भी कई जाने माने लोग थे। इनमें भारतीय सांसद एन कृष्णादास भी शामिल थे, जो ब्रिटेन के जाने माने कारोबारी सर गुलाम नून के साथ डिनर कर रहे थे। हमलावरों ने नरीमन पॉइंट को भी कब्जे में कर लिया था। उधर दो हमलावरों ने मुंबई में यहूदियों के मुख्य केंद्रीय नरीमन पॉइंट को भी कब्जे में ले रखा था। कई लोगों को बंधक बना लिया गया। फिर एनएसजी के कमांडोज ने नरीमन हाउस पर धावा बोला और घंटों चली लड़ाई के बाद हमलावरों का सफाया किया गया, लेकिन एक एनएसजी कमांडो की भी जान चली गई। हमलावरों ने इससे पहले ही रब्बी ग्रिविल्स हॉल्सबर्ग और 6 महीने की उनकी गर्भवती पत्नी रिकॉक हॉल्सबर्ग समेत कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बाद में वहाँ से सुरक्षा बलों को कुल 6 बंदूकों की लाशें मिली थी। 160 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। 29 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावरों का सफाया हो चुका था और अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में था। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन लगभग 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। इसको चरम दावत दावत देता है, फिर जो ब्रांडिंग है ना, इसको बोलता है पक्का हो गया लड़का, उसको 3 मौका देता है। समुद्र के रास्ते मुंबई में घुसे थे आतंकी। मुंबई हमलों की छानबीन के बाद ये पता चला कि लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकी समुद्र के रास्ते मुंबई में दाखिल हुए। बताया जाता है कि सभी आतंकी 26 नवंबर को रात के करीब 8 बजे कलोबा के पास कफ परेड के मछली बाजार पर उतरे थे। रात 9 बजे आई थी हमले की पहली खबर। 26 नवंबर को रात करीब 9 बजे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर गोलीबारी की खबरें मिली। रेलवे स्टेशन पर 2 आतंकियों ने AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग की और कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। फिर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। 3 दिनों की जंग के बाद सुरक्षा बलों को सफलता हाथ लगी थी। हमले के बाद रैपिड एक्शन फोर्स, मरीन कमांडोज, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडोज ने मोर्चा संभाला, लेकिन आतंकियों का खात्मा करने में सुरक्षा बलों को 3 दिन का समय लग गया। इस दौरान लाइव मीडिया कवरेज के कारण भी ज्यादा नुकसान हुआ, जैसा कि हमने पहले ही बताया। 4 साल बाद कसाब को दी गई फांसी। सुरक्षा बलों ने अजमल आमिर कसाब को 27 नवंबर को गिरफ्तार किया था, जिसने पुलिस हिरासत में गुनाह कबूल किया। इसके बाद ऑर्थो रोड जेल को कसाब का ट्रायल के लिए चुना गया और उज्जवल निकम सरकारी वकील बनाए गए, जबकि विशेष अदालत ने अंजलि वाघमारे को कसाब का वकील नियुक्त किया। कसाब को 312 मामलों में आरोपी बनाया गया। मई 2010 में कोर्ट ने कसाब को दोषी ठहराया और विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा और कसाब ने खुद को नाबालिग बताया। इसके अलावा कसाब के वकील ने तर्क दिया कि कसाब को फांसी के लिए मुंबई ने झूठी कहानी बनाई है। फरवरी 2011 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कसाब पर निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया और उसकी अपील खारिज कर दी। इसके बाद जुलाई 2011 में कसाब ने फांसी की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अक्टूबर 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा पर रोक लगा दी और सुनवाई शुरू की। अप्रैल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी की और फैसला सुरक्षित रख लिया। अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कसाब की फांसी की सजा को बरकरार रखा। अक्टूबर में कसाब ने राष्ट्रपति से दया की अपील की। कसाब की अर्जी गृह मंत्रालय ने खारिज करते हुए अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी। इसके बाद 5 नवंबर को राष्ट्रपति ने भी कसाब की दया याचिका खारिज कर दी। नवंबर के पहले सप्ताह में महाराष्ट्र सरकार को मौत की सजा दिए जाने की फाइल भेजी गई और राज्य सरकार ने 21 नवंबर को मौत की सजा देने का फैसला सुनाया। इसके बाद फिर 27 नवंबर की सुबह कसाब को पुणे की यरवदा जेल में फांसी दे दी गई। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन के तहत हमने बहुत लोगों को गवा दिया और साथ ही साथ कई ऐसे हिम्मत वाले अफसर और पुलिसकर्मियों को गवा दिया, जिन्होंने डटकर उस दिन आतंक का सामना किया था। तो इस दौरान बहादुर जवानों और पुलिसकर्मियों ने दहशतगर्दों का डटकर मुकाबला किया और कई बेगुनाह की जान बचाने में सफल हुए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन वीर जवानों के बारे में, जिन्होंने लोगों की जान बचाने के लिए खुद शहीद हुए।
हेमंत करकरे। हेमंत करकरे उस समय मुंबई एटीएस के प्रमुख थे। उन्हें 26 नवंबर को रात करीब 9:45 पर आतंकी हमले के बारे में जानकारी मिली। तब वो अपने घर पर थे और खाना खा रहे थे। तुरंत अपने ड्राइवर और बॉडीगार्ड के साथ सीएसटी स्टेशन के लिए रवाना हो गए। वहां उन्हें पता चला कि आतंकवादी अब कामा अस्पताल की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने एसीपी अशोक कामटे, इंस्पेक्टर विजय सालसर के साथ मोर्चा संभाला। कामा अस्पताल के बाहर मुठभेड़ में आतंकियों की अंधाधुंध फायरिंग में वो शहीद हो गए। मरणोपरांत उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। तुकाराम ओंबले। मुंबई पुलिस के एसआई तुकाराम ओंबले ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए आतंकी अजमल कसाब का बिना किसी हथियार के सामना किया था और उसे पकड़ लिया। इस दौरान कसाब ने उन पर फायरिंग की थी और वो शहीद हो गए। मरणोपरांत तुकाराम ओंबले को सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। अशोक कामटे। मुंबई पुलिस के एसीपी अशोक कामटे भी कामा अस्पताल के पास मुठभेड़ के समय एटीएस चीफ हेमंत करकरे के साथ मौजूद थे। कामा अस्पताल के बाहर आतंकी इस्माइल खान ने उन पर गोलियां चलाई और एक गोली उनके सिर में जा लगी। घायल होने के बावजूद अशोक कामटे ने दुश्मन को मार गिराया। मरणोपरांत एसीपी अशोक कामटे को सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। विजय सालसकर। विजय सालसकर मुंबई पुलिस के एक ऐसे अफसर थे जिन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता था। वो कामा अस्पताल के पास मुठभेड़ के समय एटीएस चीफ हेमंत करकरे और अशोक कामटे के साथ मौजूद थे। हमले के दौरान उस गाड़ी में सवार थे जिस पर आतंकी कसाब और उसके साथी ने गोलियां बरसाई। शहीद विजय को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के कमांडो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन 26/11 हमले के दौरान मिशन ऑपरेशन ब्लैक टर्नेडो का नेतृत्व कर रहे थे। ताज होटल के पास आतंकियों से लड़ाई में वो शहीद हो गए। मरणोपरांत साल 2009 में उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा कुछ और भी लोग थे जिन्होंने बहादुरी दिखाई। इन 5 बहादुरों के अलावा हवलदार गजेंद्र सिंह, नगप्पा आर महले, किशोर के शिंदे, संजय गोविलकर, सुनील कुमार यादव और अन्य कई ने बहादुरी की मिसाल पेश की। इसके अलावा ताज होटल के जनरल मैनेजर करमबीर सिंह कांग ने भी अपनी बहादुरी और सूझबूझ से कई मेहमानों की जान बचाई। लेकिन सवाल अब भी ये है कि उस वक्त अगर जब मछुआरों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी थी, एक्शन ले लिया जाता तो शायद 160 से ज्यादा लोगों की जान बच सकती थी और इतने वीर बहादुर जो पुलिसकर्मी थे वो भी अब तक जिंदा होते और फिर अपनी बहादुरी का परचम लहरा रहे होते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो 26/11/2008 ये वो दिन है जिसे काला दिवस भी कहा जाता है। भारत नहीं चाहता कि ऐसा दिन दोबारा देश के लोगों को देखने के लिए मिले, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस हमले को रोका जा सकता था। इनपुट्स मिल रहे थे, उन पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। सवाल ये भी है कि ध्यान दिया भी गया तो फिर इतनी लापरवाही क्यों आई। क्या हकीकत है कि इस पूरे हमले में लापरवाही बढ़ती गई है या नहीं, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।